वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही थी चिकन कढ़ाई, तो सोचा कि आपके साथ चिकन कढ़ाई भी शेयर कर ली जाए। चिकन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है मेरी। यूजुअली चिकन कढ़ाई लोग बहुत तरह की बनाते हैं, हर एक को कढ़ाई तो हर एक को ही बनानी आती है और बहुत डिफरेंट वर्जन होते हैं। तो मेरा भी ये वर्जन आप चिकन कढ़ाई का देखिए और अगर अच्छा लगे तो ट्राई कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पैन गर्म हो रहा है, डालेंगे ऑयल। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लें, ज्यादा खाते हैं कम डालते खाते हैं अकॉर्डिंगली आप डाल लें। एक चम्मच तकरीबन समझे भर के एक चम्मच डाला है। के बाद हम इसमें ये चॉप ऑनियंस डालेंगे। मेक श्योर कि जब आप कढ़ाई में ऑनियंस डालें चॉप तो बहुत बारीक होने चाहिए, ठीक है। हल्का सा इसको आप सौते कर लें। आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दें, उससे ये होगा कि ये जल्दी से ब्राउन और जल्दी से पक जाएंगे ऑनियंस। अच्छा, साथ ही अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। ये चिकन तकरीबन 900 ग्राम्स के करीब है। और ये चिकन को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। आपका स्टोव बिल्कुल फुल होना चाहिए, तेज चूल्हे पे आप अच्छी तरह इस चिकन को जी फ्राई कर लें। अच्छा, जब ये चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आप इसमें डालेंगे, हल्का सा ब्राउनिश कलर जब हो जाएगा तो आप इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। ये मेरा स्पून जिसमें है 1 टेबल स्पून के करीब है, ठीक है। तो 2 टेबलस्पून भर के आप इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। अच्छा, इस स्टेज पे अदरक लहसुन डाल के आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए फ्राई हो जाए, इसके बाद आप इसमें होल स्पाइसेस डालेंगे। होल स्पाइसेस में आप डालेंगे जीरा 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी 3-4 काली मिर्चें, 2-3 लौंग। अच्छा, इसके बाद आप इसमें डालेंगे ये सारे स्पाइसेस। आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सूखा धनिया कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छा, अब आप इनको अच्छी तरह मिक्स करें। ओके, स्टेज पे जब ये मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के योगर्ट के। मिक्स इट वेल। अच्छा, जब दही इसमें थोड़ा सा इसका सालन ग्रेवी सी बन जाए तो इस स्टेज पे आप इसमें डालेंगे 2 बिग साइज के टोमेटोज चॉप किए हुए। अच्छा, अब इसमें हमने टमाटर डाल दिए और दही डाल दिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिए। अब हम इसको पकने देंगे फॉर 5 मिनट्स। इसको आप फुल चूल्हे पे पकने दें, टमाटर दही अपना पानी भी छोड़ेंगे, उसमें आपका चिकन भी गल जाएगा और इसका अच्छी सी सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट बाद। सो गाइस, अब हमने 5 मिनट बाद, ठीक है, ये खोला। देखिए टमाटोज और हर चीज अच्छी तरह मिक्स हो गई है। बस हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। मुझे लगता है चिकन कढ़ाई एक ऐसी चीज है जो झटपट से, मतलब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि जी क्या खाना बनाए, या कोई सडन गेस्ट आ जाए तो आप जी क्या अच्छा सा खाना बना सकते हैं, तो आई गेस चिकन कढ़ाई इज ऑलवेज विल बी द बेस्ट ऑप्शन।
मुझे तो यही लगता है, आपको ये ऑप्शन लगे तो जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, अब हम दो काम करेंगे। नंबर वन, पिसा हुआ गरम मसाला आप इस पे डालेंगे, ठीक है, और पिसा हुआ भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर ये आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा, और इसको बंद करेंगे, इसको 2 मिनट्स के लिए बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर खुशबू अच्छी तरह आए। चूल्हा आप आहिस्ता कर देंगे। ओके, आफ्टर 2 मिनट्स सुपर्ब, इट स्मेल्स सो गुड। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप इस पे ग्रीन चिलीज डालेंगे, आप इस पे जिंजर स्प्रिंकल करेंगे, इंडियन कट जिंजर, और इस पे लेमन आप रख देंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आप साइड पे दूसरे चूल्हे पे रख दें, इस चूल्हे को आपने आहिस्ता करना है, और इस पे आपने कोयला रखना है। ठीक है, कोयला होता ही है ऑलमोस्ट हर घर में। ये कोयला आपने रखना है, ठीक है, ये कोयला थोड़ा सा बर्न हो जाए। सो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हम ये खोज चिकन कढ़ाई अपनी खोलेंगे। रियली रियली इट स्मेल्स सो गुड, जरूर ट्राई कीजिएगा। एक कोई भी फॉइल पेपर लेके आप बीच में यहां रखेंगे, और इस पे आप ये कोयले रखेंगे। सो गाइस, थोड़ा सा पार्ट वो मुझसे मिस हो गया, आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने ये जो स्मोक, ठीक है, हमने इसमें कोयला रखा, फॉइल पेपर रखा, जलता हुआ कोयला रखा, उस पर हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने के बाद हमने इसको ढक दिया, तो उससे ये होगा सारा स्मोक अंदर। ये आपकी कोयला चिकन कढ़ाई मजेदार सी नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं और एंजॉय करें, और बहुत इसका बाजारी टेस्ट आता है, बिल्कुल जैसे बाहर की कढ़ाई, दुकानों की कढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर ही स्मोक है, थोड़ी देर रहेगा, और देखें ऑयल भी कढ़ाई का अलग हो चुका है अगर आपको नजर आ रहा हो, और बहुत जबरदस्ती ये मिनटों में बनने वाली चिकन कढ़ाई रेडी है। तो इसको जरूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा अगर ट्राई करें कि आपको कैसी लगी। ठीक है, कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन गई है। ग्रेवी मतलब इस तरह रखी है कि बहुत ज्यादा कोई शोरबा भी ना हो, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत मसाला होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई भी नहीं। ठीक है, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी है, और इन करें, अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, एडिटिंग करते हुए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, तो इसको जरूर ट्राई करें, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।